बहकावे में लेकर एवं उन्हें डरा धमकाकर उनकी जमीन की जहदी बदलकर फर्जी तरीके से कूट रचे दस्तावेज तैयार कर जमीन खरीद फरोख्त करने वाले चार अपराधी शमसाद आलम उर्फ छोटे कमरे आलम उर्फ झिन्नू शमसुद्दीन उर्फ बद्रे आलम उर्फ बल्लू के ऊपर तिवारीपुर थाने के पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। SPCD ने दी जानकारी। गोरखपुर सहित प्रदेश भर में चल रही GST के छापेमारी पर प्रदेश सरकार ने 72 घंटे के लिए लगाया रोक। दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष और व्यापारियों ने सरकार को दिया धन्यवाद, कहा 72 घंटे का समय मिलने से व्यापारी कागज को कर लेंगे सही। दिल्ली से शादी समारोह में सम्मिलित होने आए आवेदिका के गायब हुए ट्रॉली बैग व उसमें रखा गहना व कपड़े को गोरखनाथ पुलिस द्वारा ऑपरेशन ट्रिनेट की मदद से सकुशल किया गया बरामद। SPCT की मौजूदगी में आवेदिका के परिजनों को बैग को किया गया सुपुर्द। परिजनों ने गोरखपुर पुलिस को दिया धन्यवाद। नागरिक सुरक्षा कोर के 60वें स्थापना दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम का रूट मार्च एवं वार्डन सम्मान समारोह के साथ हुआ समापन। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने में नागरिक सुरक्षा के वार्डनों का रहा है प्रशंसनीय योगदान। ऐसे वॉलंटरी फोर्स की प्रशासन को रहती है नितांत आवश्यकता। सराफा मंडल के नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह सकुशल हुआ संपन्न। गणेश वर्मा अध्यक्ष, संतोष वर्मा उपाध्यक्ष, संजय वर्मा महामंत्री, हरिद्वार वर्मा मंत्री, वीरेंद्र बनवाल मंत्री, गोपाल वर्मा मीडिया प्रभारी सहित नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने ली शपथ। सराफा मंडल के अध्यक्ष गणेश वर्मा ने कहा संगठन के सभी दायित्वों का किया जाएगा निर्वहन। ऑपरेशन ट्रिनेट अभियान के तहत SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर की अध्यक्षता में जनपद के BPO की कार्यशाला का किया गया आयोजन। CCTV कैमरों के रेट की दी गई विस्तृत जानकारी। SSP ने कहा इस कार्यशाला के बाद पूरा जनपद CCTV कैमरा से होगा लैस, अपराध पर लगेगा पूरी तरह से विराम। खुद बेटियां ही करेंगी अब बेटियों की सुरक्षा। राजकीय इंटर कॉलेजों में हर क्लास की एक बेटी को चुना जाएगा पावर रेंजर। पूरे क्लास की लड़कियों की समस्याओं को जानकर करवाएंगी उनका समाधान। AD राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के गृह विज्ञान की प्रवक्ता प्रज्ञा सिंह ने दी जानकारी। सात सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन व मातृ शिशु कल्याण महिला संघ ने CMO कार्यालय के समक्ष किया एक दिवसीय सामूहिक उपवास। कहा मांगे न माने जाने पर आगामी 16 जनवरी को लखनऊ में स्वास्थ्य मंत्री का करेंगे घेराव। और शाहरुख खान ने बनाया नया कीर्तिमान। 1500 मीटर दौड़ को मात्र 4 मिनट में किया पूरा। 66वीं प्रदेशीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दूसरे दिन गोला फेंक में 19.96 मीटर गोला फेंककर आशुतोष दुबे ने स्थापित किया नया कीर्तिमान। प्रतियोगिता के संयोजक जफर अहमद खान ने दी जानकारी।